अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा नक्श बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इस नक्श को बनाकर उसकी राख अगर आपने किसी को खिला दी तो वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई नफरत करता था और उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं थी, अगर आप इस नक्श की राख बनाकर उसको खिला देंगे तो वो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नाराजगी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक आप देखते रहें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो उसमें नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग बेचारे परेशान हैं उन तक ये घरेलू ये उपाय पहुँचें और वो भी इनसे फायदे हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, जो लोग बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहते हैं इन कामों के लिए, ठीक है, तो अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हो। इधर उधर लूटने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भाग कर अपनी जेब खाली करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप घर बैठे फायदे उठा सकते हो इन वीडियोज को देखकर, खुद बनाकर, ठीक है। अगर किन्हीं दो लोगों में अगर अदावत है, ठीक है, आपस में नाराजगी है, तो इसका इस्तेमाल कर, ठीक है, उन दोनों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ठीक है। किन्हीं दो परिवार के अंदर, ठीक है, भाई भाई के अंदर झगड़ा है, मियाँ बीवी के अंदर नाराजगी है, ठीक है, बाप बेटे में नाराजगी है, किन्हीं दो परिवार में आपस में नाराजगी है, ठीक है, या फिर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, जायज़ मकसद के लिए, ठीक है, शादी करने के लिए, तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो नक्श मैं आपको बता रहा हूँ, इस नक्श को एक कागज पर लिखना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक कागज लेना है, कागज का टुकड़ा छोटा सा, उस पर इस नक्श को लिखना है। लिखने के बाद, ठीक है, इसको जलाना है, जला करके इसकी जो राख है इसकी राख को आपको खिलाना है। किसको खिलाना है? जिसके दिल में आपको अपनी मोहब्बत पैदा करना है, ठीक है, जिस किसी को भी के दिल में आपको अपनी मोहब्बत पैदा करना है, यानी इस राख को जो भी खा लेगा, जिसको भी आप खिला देंगे, तो वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी के अगर किसी के ऊपर रकम है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको किन्हीं में आपस में झगड़ा है, वहां पर मियाँ बीवी भाई भाई, ठीक है, आपस में दोस्त हैं उनमें झगड़ा है, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस नक्श को बनाकर इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं, ठीक है, और कोई नाजायज काम के लिए ये काम करेगा, ठीक है, नाजायज ताल्लुक कायम करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा तो उसको जो है इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ जायज मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग बेचारे परेशान हैं उन तक ये वीडियोज पहुंचे, उनसे फायदे हासिल कर सकें। तो इसकी राख जो है आप किसी भी चीज़ के अंदर मिलाकर खिला सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ हो, ठीक है, मिठाई के अंदर भी खिला सकते हो, कोई नमकीन चीज़, चाय के अंदर, खाने के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मिलाकर आप इसको खिला सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।